यूडीआईडी कार्ड भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके द्वारा दिव्यांगजनों को एक विशेष दिव्यांगता पहचान पत्र प्रदान किया जाता है, जो कि दिव्यांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और योजनाओं को प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होता है। इस कार्ड को सरल, सुगम एवं सुरक्षित रखने के लिए अब इसे डिजी लॉकर के साथ भी जोड़ दिया गया है। आइए पहले जानते हैं कि डिजी लॉकर क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ऐसा ऐप है, जिसमें आप सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेव करके रख सकते हैं। मुफ्त में उपलब्ध इस ऐप में 1 GB स्पेस होता है तथा इसमें रखे गए प्रमाण पत्रों को कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वेरिफिकेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह दस्तावेज आईटी एक्ट 2000 के अनुसार मूल दस्तावेज के समतुल्य है। तो आइए विस्तार से जानें डिजी लॉकर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ऐप के जरिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को कैसे सुरक्षित एवं सेव रख सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर नाम से अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें। दिए गए पेज पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से अपने विकल्प का चयन करें। यदि आप पहले से ही खाताधारक हैं तो साइन इन के विकल्प का चयन करें, और यदि आप पहली बार इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट के विकल्प का चयन करें। क्रिएट अकाउंट के विकल्प का चयन करने के बाद आपसे आधार नंबर को दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। दिए गए बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे आपको दिए गए बॉक्स में दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दिए गए बॉक्स में अपना कोई भी सिक्योरिटी पिन दर्ज करें, जो कि आपको आसानी से याद रहे। यह सिक्योरिटी पिन वही होगा जिसे आप हर बार डिजी लॉकर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए दर्ज करेंगे। इसलिए ध्यान रहे, यह पिन सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो। डन पर क्लिक करते ही आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन में लॉगिन होकर इसके मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। मुख्य पृष्ठ पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों का विवरण है और इन सभी संबंधित संस्थानों और विभागों के द्वारा निर्गत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को आप डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। अपने UDID कार्ड को डिजी लॉकर में सेव करने के लिए आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना UDID नंबर अंकित करें। एक बार डाउनलोड होने के बाद यह कार्ड आपके डिजी लॉकर अकाउंट में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह अन्य सभी डिपार्टमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में डाउनलोड किए जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं, जिन्हें आप होम स्क्रीन पर दिए गए इश्यूड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन सभी डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त करना या दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो फाइल के आगे बने 3 डॉट पर क्लिक करें। दिए गए विकल्पों में से अपने विकल्प का चयन करें। डिजी लॉकर आपको वह सभी दस्तावेज भी सेव करने का ऑप्शन देता है जो दिए गए किसी कार्यालय से संबंधित नहीं है। इसके लिए मुख्य पेज पर ऊपर की तरफ बनी 3 लाइनों पर क्लिक करें और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के विकल्प का चयन करें। अपलोड पर क्लिक करें और पहले से ही स्कैन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यह सभी दस्तावेज मूल दस्तावेज के समतुल्य नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आप डिजी लॉकर से संबंधित कोई भी जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो मुख्य पेज पर ऊपर की तरफ बनी 3 लाइनों पर क्लिक करें। अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प का चयन करें। इन्हीं विकल्पों में से आप QR कोड स्कैनर के विकल्प की सहायता से किसी भी दस्तावेज की वैधता की जांच कर सकते हैं। इस प्रकार अपने UDID कार्ड तथा अन्य प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर एक अत्यंत सरल, सुखदम एवं सुलभ तरीका प्रदान करता है।